हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइज आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर पेपर लेकर आई थी और इनके मैं सर्कल काट रही हूँ, कुछ अपने चूड़ी के साइज़ के काट रही हूँ और कुछ थोड़े उससे छोटे, जितने छोटे मैंने अपने चद्दर पे डॉट बनाया है ना सेम उसी साइज़ का मैं काट रही हूँ। उसके बाद कुछ धागे लूँगी, कटिंग कर लूँगी और कॉटन का धागा लेके और इन पे पेस्ट करती जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक कॉटन बना रही हूँ जो कि ये कलर पेपर से बना रही हूँ अपने वॉशरूम के बाहर लगाने के लिए। आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने पूछा था कि आप लोग अंदाज़ा लगा के बताना कि मैं क्या बना रही हूँ। और तो इस तरीके से इनको धागों पर चिपकाते जाऊँगी और डबल पेपर लगाना है, दोनों साइड लगाना है क्योंकि ये जो है मूव भी करेंगे और हवा से घूमेंगे भी, तो दोनों तरफ दिखना चाहिए ना, एक तरफ ऐसा ना धागा दिखे। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके की चीज़ें जो है ना बहुत खूबसूरत लगती है, घर को बहुत कलरफुल भी बना देती है। तो इसलिए और मुझे कलरफुल चीज़ें अपने घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता ही होगा कि डेकोरेशन करना और DIY करना ये सब मेरा जो है फेवरेट पार्ट है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ना अपने बच्चों को भी शामिल करिए, उनको भी इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें देख के करने में। और ख़ासकर मेरे बेटे को तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है, जब मैं कुछ बनाने बैठती हूँ तो वो ज़रूर मेरे पास आ जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है तुम एक काम करो चिपकाओ, तो थोड़ी देर उसने किया, उसके बाद थक गया फिर भाग गया। तो बस बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक उनका मन करता है तभी तक इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे सर्कल भी काट लिए हैं, तो बस डेट्स इट गाइज। उसके बाद कॉटन बन के रेडी हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। गाइज तो गुड इवनिंग, कैसे हो? फाइनली आज हम फ्री हो गए हैं, 2 दिन से एक काम के लिए दौड़ भाग कर रहे थे और वो काम फाइनली हो गया। ये मच्छर के काटने के निशान है मेरे गाल पे तो है। और अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, 9 बजे वहाँ से छुट्टी हूँ और अब जो है खाना बनाऊँगी। खाने में मैंने बनाया है दाल चना और उसकी मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। और आज मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी है, सच्ची में कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है। तो दाल चना मैं बना के गई थी, रात भर भिंगो के गई थी और ये रहा दाल चना। अब इसको आटे में भर के फटाफट पूड़ियाँ छाननी है और खा लेना है। डेट्स इट, खाना रेडी है, बस आटा लगाने कौन जाएगा ये सोचते हैं, कौन जाएगा क्या, मेरे को ही लगाना पड़ेगा आटा। तो मैं भिगो देती हूँ आटे का डूंगा जब तक, और मैं घर से निकल गई थी 5 बजे का, घर से निकली हुई हूँ और बर्तन देखो सारे पड़े हैं सिंक में, कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने अपने पौधों को भी नहला दिया था। तो घर के अभी कोई भी काम नहीं हुए और अब मैं काम निपटाऊंगी फटाफट। और ये रहा दाल और चना, चना दाल। और अब या तो रोटी बनाऊंगी या तो इनको पूड़ियों में भर के बस छान दूंगी फटाफट। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल 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 भी मन नहीं कर रहा। और इसको मैं कल मैंने कटवाया था, पता नहीं कैसे काट दिया उटपटान सा। तो चलो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, फटाफट काम निपटाते हैं, खाना तो बनाना ही है। और निशु अब कह रहा है कि मेरे को अंडे की भुजिया खानी है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बताऊँ मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मेरे को नहाना है। हालांकि घर के सारे काम जो है हो गए हैं 1 मिनट में, पहले ना 2 चीज़ एक साथ पहनो ना तो देखो आपस में उलझ जाता है पूरी तरीके से। ये चैन और ये मंगलसूत्र आपस में उलझ गया है और मुझे इसको छुड़ाना है, पानी पड़ते ही छूट जाएगा। और अभी घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं तो अभी इस टाइम तो कुछ नहीं बनाना है क्योंकि मैंने सुबह जो है इनके टिफ़िन के लिए दाल बना दिया था, दाल के पराठे, वो जो पूड़ियाँ बन के छनती है ना वो बना दिया था। और अभी तो हो गया है और मैंगो शेक बनाया था अपने लिए एंड निशु के लिए, इतना बचा है। और आम भी इतना बचा है, आम कोई वीडियो नहीं डाली है। और अभी जस्ट मैंने अपना फ्रिज को क्लीन करा है, सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और एक एक काम मैं करती रहती हूँ। अभी सुबह के नाश्ता का सारा बर्तन पड़ा है, देखिए इतना सारा बर्तन पड़ा है। बर्तन मैं अभी नहीं धोऊंगी, पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि हस्बैंड के कपड़े धोने हैं
मैं दिखाती हूँ हस्बैंड के शर्ट जो है ना, मेरे को मशीन में नहीं धोने हैं, हाथ से धोने हैं, क्योंकि उन्होंने मना करा है कि मशीन में मेरे शर्ट मत धोना। तो ये दो शर्ट है जो कि मेरे हस्बैंड के हैं, इनको मेरे को हाथ से धोने, क्योंकि मशीन में ये ना छूट नहीं रहे हैं। तो फटाफट शर्ट धोकर आती हूँ, नहा के आती हूँ, और पेट तो मेरा भर गया है मैंगो शेक से। और अभी कपड़े नहीं बेटा, नहीं करो, अभी सुन नहीं रही हो ना बेटा, अभी मैं बोल रही हूँ। अभी दो आधे कपड़े मैंने यहाँ पे डाले सूखने के लिए, इनके भी मेरे को कॉलर साफ़ करने हैं, क्योंकि मशीन में जो है ना इनके कॉलर नहीं साफ़ हो रहे हैं। और अभी और कपड़े मैंने धुले हैं। बेटे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, क्या कर रहे हो, टूट जाएगा ना। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, साथ में चद्दर भी धोया है जो बेड जिसमें निशु और हस्बैंड सोते हैं, उस कमरे की चद्दर धुल दी है मैंने। और उस कमरे में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ रात को ही लोग सोते हैं, और आजकल तो मैं भी सो रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो ये मैंने चद्दर ये वाली बिछा दिया है और चेंज कर दिया है, बहुत गर्मी लग रही है, एसी के बिना तो काम नहीं चल रहा हमारे घर में ना। 24 आवर्स एसी चल रही है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए बंद हो रही है। और अभी थोड़ी बहुत मेरे को अपनी अलमारी सही करनी है। तो चलो मैं कपड़े धो के आती हूँ और नहा कर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि शर्ट वर्ट धोना ना थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाएगा। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कल मैं कहीं बिज़ी थी, क्यों बिज़ी थी, मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ मैं, तो ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। और रात को मैंने एक और DIY बनाया, ये गणपति जी, ये जो कैन आती है उससे मैंने बनाया है, ये देखिए मोरिया। तो इसमें मोरिया, तो इसमें ना मुझे प्लांट लगाना है, लेकिन अभी मेरे पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितना कितना कितने अच्छे लग रहे हैं गणपति जी। और इस पर मैंने वार्निश कर दिया है, क्लियर वार्निश, ताकि ये बाहर पानी वानी में ख़राब ना हो। बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे अपने गणपति जी, तो बना दिया मैंने। और भी एक चीज़ मैं बना रही हूँ, ये प्लास्टिक है इस तरीके का, इसको मैंने ऊन को रैप करके रखा है। ये किस तरीके की प्लास्टिक है मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। ये पेंसिल आता है निशु का, पेंसिल का बॉक्स, तो मैं कम से कम 6 महीने से इकट्ठे कर रही थी और बहुत सारे हो गए, तो इनको मैं अब यूज़ करूँगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे, अभी भी 10 पीस बचे हैं, और मैंने आई थिंक 8 पीस बना भी चुकी हूँ, और 10 पीस अभी भी बचे हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, मैं इनके बनाऊँगी विंड चैन। तो चलो मेरे पर्दे भी बन गए हैं बाथरूम के, अभी 2 और लगाने हैं यहाँ पे लड़ी, थोड़ा भरा भरा सा करूँगी ताकि अच्छा लगे। तो चलो मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो 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 गाइस, तो मैं नहा के भी आ गई हूँ, और नहाने से पहले मैं दाल चढ़ा के गई थी, और दाल चढ़ाने से पहले मैं बर्तन धो के गई थी, सारे बर्तन धो दिए हैं, बस सिंक में एक चाय का डोंगा रह गया है जो कि मैंने अभी रखा है जस्ट। तो मुश्किल से 20 मिनट्स में मैं नहा भी लिया, कपड़े भी धो लिए, दाल भी रख दिया, और सारे बर्तन भी धो दिए। अब आप ये मत बोलना कि मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, मैंने कपड़े धो दिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ 2 शर्ट थी, और वो देखिए धो दिए मैंने, शर्ट भी इनके धो दिए हैं, और अभी मशीन में भी कपड़े हैं, उसको भी फैलाऊँगी, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो चलो मैं फटाफट दाल तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ भी दिखानी है। बाय बाय। तो गुड इवनिंग, आई थिंक 4 बजने वाले हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं, अभी मैंने ठीक से टाइम देखा नहीं है, तो खाना खा लिया मस्त, और अच्छा खाने का मन कर रहा था, अच्छा खा लिया, चने की दाल बनाई मस्त वाली, मसाले वाली, साथ में चटनी, अचार, चावल सब खाया, और थोड़ा सा चावल मेरा जल गया क्योंकि निशु की तबीयत ख़राब चल रही है, ख़राब चल नहीं रही है उसको, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली हमने पानी लेना बंद कर दिया है ना कैन का, तो नीचे से पानी भर रहे हैं, मीठा पानी आता है, किसी ने हमें बताया मीठा पानी आता है, वो पानी पता नहीं कैसा पानी है कैसा नहीं, मुझे नहीं पता है, तो मीठा पानी सब भरते हैं यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं सब भरते हैं, तो हम भी अपना कैन भर लेते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि सिर्फ निशु को ही लूज मोशन नहीं हो रहे, मुझे भी हो रहे साथ के साथ लूज मोशन, तो मुझे लगता है कि पानी में ही कोई गड़बड़ी है, इसलिए लूज मोशन हो रहे हम दोनों को।
तो अब तो खाना खा के मस्त वाली नींद आ रही है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा सिम लेने जाना है, और अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ। सिम नहा धो के कपड़े पहन लिए, ये वाला सूट डाल लिया, बहुत दिनों के बाद डाला मैंने ये वाला कुर्ती। तो अब बस ना ऐसा नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़बरदस्त वाला, मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सुकून कहाँ है मेरी किस्मत में। सोच रही हूँ यहाँ सो, मूवी आ रही है, मस्त वाली मूवी आ रही है, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जा पहले अपडेट डाल देती हूँ, तो आप सबको पता चल गया होगा कि हमने कल क्या लिया है। तो जी हाँ, एक्चुअली हमारे एनिवर्सरी आ रही है, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में पता नहीं क्यों अक्सर ऐसे ही होता है कि हम दोनों सेम सोचते हैं कुछ, मैं जो प्लान करती हूँ वही वो भी सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया जो है फ़ोन को, पुराना फ़ोन है काफ़ी टाइम, उनके भी फ़ोन के स्क्रीन वगैरह सब टूट गए थे, उनके फ़ोन को आई थिंक 3 साल हुए हैं, मेरे फ़ोन को 4 साल हुए हैं, 3-4 साल हो गए मेरे फ़ोन को भी। तो बस जी अपडेट यही था, और हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, तो बस यही है, और यही छोटा सा अपडेट था। और अब तो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को बहुत सारे काम है लेकिन नींद आ रही है, मेरे को सिम लेने जाना, मैं कैसे करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि आंखें एकदम नशे में हो रही हूँ मैं, एकदम नींद सी आ रही है। ठीक है, तो बस हे भगवान, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से, इस हाथ से पकड़ते फ़ोन तक नहीं पकड़ा जा रहा, बस मेरे को नींद आ रही है। चलो सो जाते हैं, और तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत सब कुछ अच्छा लगे, और अब कुछ अच्छा कुछ नया क्रॉस हो जाए। ठीक है, एनिवर्सरी के साथ कुछ नया शुरू करने की कोशिश करूँगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, मैं अभी कोई फैसला नहीं ले रही हूँ कोई, हाँ मेरे को मतलब कहने का मतलब कि मुहर नहीं लगा रही हूँ कि हाँ मैं करूँगी, बट डिसाइड किया है मैंने, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक और इंटरेस्टिंग से वीलॉग वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू।